हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम राउंड गले का एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे डोरी का इस्तेमाल करके। तो डोरी बनाएंगे सबसे पहले, और इसके लिए मैंने ये उरेब पट्टी यानी कि 22 स्ट्रिप कट की है, तकरीबन 2 इंच चौड़ी। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए, बारीक बखिए से ये सिलाई मैं लगा रही हूँ, और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि पलटते हुए हमारी सिलाई जो है वो खुल ना जाए। इस तरीके से अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पे कट करेंगे। ये देखिए मैंने कितनी पतली डोरी बनाने के लिए सिलाई लगाई है। बहुत ज़्यादा बारीक डोरी मैं नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मोटी ही रहेगी हमारी डोरी। अब एक सुई में हम थोड़ा मोटा धागा डाल लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे और सुई के उल्टी तरफ से हम डोरी के अंदर इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, जैसे हम नाड़ा डालते हैं उसी तरीके से हमें ये धागा डालना है अपनी डोरी के अंदर, और इसके दूसरे किनारे से हमें सुई को निकाल लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो मोटी सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, एक बार पलटने के लिए यहाँ से शुरुआत कर लेंगे तो पलटना बहुत इजी हो जाएगा। अब इस तरीके से इसे खींच लेंगे अपनी तरफ और डोरी बहुत आसानी से पलट जाएगी। इस तरीके से ये देखिए, ये डोरी हमने पलट ली है। बहुत ही केयरफुली से सारी की सारी डोरी को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इतनी मोटी हमने ये डोरी बनाई है, और मैंने एक डार्क पिंक और एक लाइट पिंक कलर में डोरियां बना के रख ली थी, और इन्हें छोटे छोटा काट लिया है। तकरीबन 2.2 इंच लंबी मैंने ये लाइट पिंक कलर की डोरी बनाई है, और 2.3 इंच लंबी मैंने ये डार्क पिंक कलर की डोरी कट करके तैयार की है। गोल गला मैंने पहले से ये पेस्टिंग वाली बुकरम पे काट लिया था, और इसे मैंने कपड़े के साथ चिपका लिया है। इसका बॉर्डर मैंने नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है, तकरीबन 1.5 इंच मैंने रखा है इसका बॉर्डर। अब हम इसकी बाउंड्री का निशान लगाएंगे। कपड़े वाली साइड पे हमें इस तरीके से चौक से निशान लगाना है, बहुत ईजीली ये निशान लग जाएगा। अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे, तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट पर हम एक निशान लगाएंगे, और इसके आगे तकरीबन 1-1 इंच की दूरी पे चौक से इस तरह से निशान लगाएंगे हम। जो हम डोरी से लूपियाँ तैयार करेंगे उसे अटैच करने के लिए हम ये निशान लगा रहे हैं, इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर लूपियाँ अटैच करेंगे। तो ये देखिए, एक लाइट और एक डार्क कलर की डोरी को मैंने इस तरीके से रख लिया है और फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हमें इसे, ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में सिलना है गले के ऊपर, जो हमने चौक से लाइन लगाई थी उसके ऊपर ऊपर, और बिल्कुल निशानों के ऊपर हमें इनको रखना है और इसी डायरेक्शन में सिलना है। यानी कि जो गोल लूपी वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए और जो ओपन एंड्स हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे, इस तरीके से। 2-3 सिलाइयाँ लगा के इनको पक्का कर लीजिए ताकि गला बनाने के बाद ये इजीली ना निकले। इसी तरीके से आप चाहे तो डोरी की 3 लेयर लगा के भी लूपी बना सकते हैं और उसे भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए,
बिल्कुल इसी तरीके से सारी की सारी लूपियां हमें अटैच करनी है। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, ओपन एंड्स अंदर की तरफ जाएंगे और लूपी का मुड़ा हुआ हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ रहेगा। अब इसका कपड़ा हम अंदर की तरफ मोड़ के एक कच्चा टांका लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हमें इसको कुर्ती के अगले हिस्से पर बनाना है। तो कुर्ती की रॉन्ग साइड पे हमें इसको प्लेस करके सिलाई लगानी है। सबसे पहले इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इस तरीके से मैं रॉन्ग साइड इसको रख रही हूँ और अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ, जैसे नॉर्मल गला बनाते हैं हम बिल्कुल उस तरह से ही, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ बारीक बखिये से सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करना है। इस तरीके से, और छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं अब हमें इसके ऊपर। नॉचेस बहुत केयरफुली लगाइएगा, धागा कटना नहीं चाहिए। अब इसको पलट के सीधा करेंगे। ये देखिए हमारी लूपियाँ किस तरीके से बाहर की तरफ निकल के आ गई हैं। इस तरह का गला प्लेन या प्रिंटेड किसी भी कुर्ते के ऊपर आप इजीली बना सकते हैं। अब इसकी किनारी पे हमें बारीक बखिये से सिलाई लगानी है। टॉप स्टिच लगाना है हमें इसके ऊपर, और यहाँ पे भी हम पक्की सिलाई ही लगाएंगे क्योंकि तुरपाई हमें इसको नहीं करना है, इसके ऊपर हमें पट्टियाँ लगानी हैं। ये देखिए गले की फिनिशिंग पिछली तरफ से भी काफ़ी अच्छी आई है। अब एक 22 स्ट्रिप लेंगे और जो कि तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है, और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक कच्चा टांका लगा के एक पतली तकरीबन 1/2 इंच की जो है पट्टी बना के तैयार करेंगे। एक पट्टी हम लाइट पिंक कलर की बना के तैयार करेंगे और एक डार्क पिंक कलर की। जिन दो कलर्स की हमने डोरी लगाई है उसी कलर की हमें पट्टी भी तैयार करनी है, और गले के ऊपर हमें पट्टी को लगाना है तकरीबन 0.7 इंच का गैप छोड़ेंगे और इस तरीके से पट्टी को हम अटैच करेंगे बारीक बखिये से। अब ध्यान ये देना है कि इस पट्टी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये उरेब पट्टी है तो गोल गले पे बहुत इजीली लग जाएगी, खींचेंगे तो गले में बल पड़ सकता है, इसलिए खींचना नहीं है। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको लगाते जाना है और चारों तरफ बराबर दूरी पे हमें इस पट्टी को लगाना है ताकि सफाई अच्छे से आए गले में। अब डार्क पिंक कलर की पट्टी भी हम लगाएंगे इसके ऊपर। बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है हमें, बहुत ही थोड़ा गैप हमें, ताकि ग्रीन कलर का जो फैब्रिक हमारा नज़र आए। आप चाहें तो बिल्कुल साथ साथ चिपका के भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसके बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए था इसलिए मैं थोड़ी सी दूरी पे इसको लगा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इवन गैप आना चाहिए इसके हर तरफ से। और अब आखिरी सिलाई यहाँ पर भी लगा लेंगे। गला हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, अब हमें इसका कच्चा टांका उधेड़ देना है। ये जो हमने कच्चा टांका इन पट्टियों के ऊपर लगाया था इसको हम किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से। इस गले का कच्चा टांका मैंने उधेड़ दिया है और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि हमारे ये गला कितना सफाई से और कितना खूबसूरती से बन के तैयार हुआ है। तो गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।